अस्सलाम वालेकुम। मैं ये वीडियो एक अफसोस के साथ बना रहा हूँ कि YouTube ने जो हमें लॉलीपॉप दिया था, जिसमें बताया गया था कि अगर आप शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी, आपके व्यूज़ बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका उलट हुआ। जब मुझे ऐसा एनालिटिक दिखाया गया जिसमें 1.5 लाख व्यूज़ के ऊपर $1 उसका बना हुआ था भाई का, तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और बहुत सारे ऐसे एनालिटिक्स भी मेरे सामने आए जिसमें 15 लाख व्यूज़ के ऊपर $10 से $11 बने हुए थे। तो कहने का मकसद ये है कि एक स्टार्टर बंदा जो कि जिसका इनिशियल फेज़ है, जो कि यूट्यूब को अभी स्टार्ट कर रहा है, क्या वो इससे सर्वाइव कर पाएगा? अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आपको 1.5 लाख व्यूज़ के ऊपर $1 मिलता है, क्या आप इसको सर्वाइव कर पाएंगे? और बहुत सारे लोगों ने स्नैक ऐप को इग्नोर किया, टिकटॉक को इग्नोर किया, फेसबुक रील्स को इग्नोर किया, उसके बाद इंस्टाग्राम रील्स को उन्होंने इग्नोर किया, और उन्होंने इस बेस के ऊपर के यूट्यूब शॉर्ट्स की मोनेटाइजेशन को इनेबल कर रहा है और उसको अच्छा खासा अर्निंग देगा जो कि अपनी शॉर्ट्स वीडियोज़ बनाएंगे। तो सब ने इन तमाम चीज़ों को इग्नोर करके यूट्यूब को ज्वाइन किया था। उनका जो ख्वाब था, जो उनका मकसद था, वो अगर पूरा नहीं होता तो यूट्यूब शॉर्ट्स क्रिएटर तमाम के तमाम डिसार्ट होके यूट्यूब को भी छोड़ जाएंगे। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप मुझसे सजेशन मांगें तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप शॉर्ट वीडियोस बनाएं। आप लॉन्ग चैनल के ऊपर काम करें, लॉन्ग वीडियोस के ऊपर आप काम करें, जिससे आपकी ऑडियंस भी बिल्ट होगी और आपको अर्निंग भी अच्छी खासी मिलेगी। और यहाँ पे ये बात करूँ, अगर यूट्यूब का कभी RPM या CPM बढ़ भी जाता है तो हो सकता है वो 80,000 या मिनिमम हो सकता है वो 80,000-60,000 तक वो $1 दें व्यूज़ के ऊपर, तो फिर भी बहुत ज़्यादा कास्ट पड़ती है, बहुत ज़्यादा व्यूज़ को गेन करना पड़ता है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि एक इनिशियल पर्सन जिसने अभी यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट लिया है, वो कैसे अपना 10 मिलियन वाला थ्रेशोल्ड पूरा करेगा और उसके बाद वो वॉच टाइम किस तरह से पूरा करेगा? अगर वो शॉर्ट वीडियोस बनाता है तो सबसे पहले तो उसको 10 मिलियन व्यूज़ करने होते हैं, फिर उसके बाद उसका जो चैनल है वो मोनेटाइज होता है। उसके बाद भी अगर उसको $1 के लिए उसको 1.5 लाख व्यूज़ हासिल करने पड़े तो उसमें कितनी उसकी कास्ट पड़ती है, किस तरह से उसको एक तमाम चीज़ें, उसको एक कास्ट होती है ना एक चैनल को क्रिएट करना, उसके बाद यहाँ पर फीचर्स, उसमें गैजेट्स का इस्तेमाल। तो आपको पता है अगर यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स वाले लोग जो कि जिनके मिलियंस में व्यूज़ आते हैं, तो वो तो चलो एक बात सही है कि उनके तो अर्निंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टर वाले लोग हैं जो कि अभी यूट्यूब को स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो कैसे इस थ्रेशोल्ड को पूरा करेंगे? कहने का मकसद ये है कि उनको 1.5 लाख व्यूज़ के ऊपर अगर $1 मिलता है तो वो कैसे पूरा करेंगे? तो यहाँ पे मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम करें। हाँ, हो सकता है बाद में YouTube अपने शॉर्ट्स की जो अर्निंग है या उसके RPM CPM बढ़ा दे, तो उसमें कोई वो नहीं है, कबात नहीं है, लेकिन ये है कि अभी आप लॉन्ग वीडियोस के ऊपर काम करें ताकि आपको उस चीज़ का बेनिफिट तो मिले जो कि YouTube के ऊपर आपका आने का मकसद है। तो मेरी जो सजेशन है, आप जो लॉन्ग वीडियोज़ के ऊपर काम करें ताकि आप अर्निंग और लर्निंग दोनों आपको हासिल हो सके। तो दोस्तों, आपकी क्या सजेशन है? कमेंट सेक्शन इज़ अवेलेबल फॉर योर सजेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।